कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में 3 नवंबर को हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने की भी खबर है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना का वीडियो कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद आर्य ने भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेड लाइन को पार किया है। ये हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और निर्लज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना तब हुई जब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर कॉन्सुलर कैंप लगाया था। यह कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। इस बीच 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 40 साल पूरे होने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे खालिस्तानी वहां पहुंच गए और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की है, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं, इसलिए ट्रूडो की निंदा भी हो रही है। ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, ये सुनिए। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर वहां की विपक्षी पार्टी ने भी अपना बयान दिया है। विपक्ष के नेता पियरे पोलिवेरे ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा के सभी लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने से भारतीय समुदाय चिंतित है। इससे पहले कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत ने चिंता जताई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कनाडा के मंदिर में हुए हमले की निंदा की है। प्रो खालिस्तानी नारे भी वहां पर लगाए गए। ये बहुत चिंता की बात है। वहां का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहां के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले यह सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी यह हमला होने दिया गया। और यह पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाप्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहां की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। हमको कुछ आशा हुई थी जब दीपावली के समय पर वहां की सरकार ने आयोजन किया, प्रधानमंत्री ने दीपावली के आयोजन में भाग लिया ट्रूडो ने, और उस समय कहा कि हिंदू यहां के सबसे बड़े अप्रवासी निवासी हैं, हम उनको आदर करते हैं और हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। उन्हीं के दबाव में वो भारत और भारत के गृहमंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे। ये घटना बहुत चिंताजनक है। वहां के हिंदुओं ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्थाएं शुरू कर दी तो उसकी जिम्मेवारी
कनाडा की लापरवाह सरकार पर हो गई। साधु संतों की भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहां पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहां पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेशर देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें हैं, आप देखना आने वाले कल में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, उसी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ हो चुका है कनाडा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ट्रूडो जो बेवजह जो है भारत पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं उसको विराम करके अपने देश में आतंकवाद की सफाई करनी चाहिए, वो खालिस्तानियों को वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो स्थिति कनाडा में जो शांति माना जाता है वो शांति के रूप में माना जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ही निंदनीय है, गलत है। और पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पर जिस प्रकार से मंदिरों पे, बांग्लादेश में आप देखो क्या स्थिति है, पाकिस्तान में देखो क्या है, अब कनाडा में भी होने लगा, ब्रिटेन में भी हुआ था, अमेरिका में एक पुजारी को मार दिया गया। तो पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पे, संतों पे, पुजारियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार से अफीम चाट के सोया है उसको जागना होगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी और पूरे विश्व बिरादरी के लोग उठे और हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज करें। नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछेगा। आज इक्कीसवीं सदी में इस प्रकार से हो रहा है, जंगल राज की तरह मंदिरों में घुस करके खालिस्तानी आतंकी वहां पे हिंसा कर रहे हैं, और सरकारें सिर्फ निंदा कर दे रही है, ट्रूडो सोच रहे निंदा कर दिया हो गया, तो ऐसे नहीं हो, निंदा नहीं, वो कार्रवाई करें। मेरा ये मानना है ट्रूडो सरकार कार्रवाई करे। जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो घटना की जा रही है अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरतापूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई नहीं चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, ऐसे जिहादियों को, ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों को। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्र रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा कि जहां भी हमारे हिंदू सनातनी है, जिस देश में है, उनके सुरक्षा का संवैधानिक रूप से इस पे काम करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र से इस पर जो है मंथन करके, विचार करके उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी मांग करता हूं और कनाडा के सरकार से भी मांग करता हूं कि इन खालिस्तानियों को जेल में भेजिए, और ये निंदा करने से काम नहीं चलने वाला है। हमारे सनातनी पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से तनाव पसरा हुआ है। इसकी शुरुआत जून 2020 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई। पिछले साल सितंबर में पीएम ट्रूडो ने संसद में यह आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है। इसके बाद ट्रूडो ने पिछले महीने 13 अक्टूबर को निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनयिकों के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने संजय वर्मा समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत का कहना है कि कनाडा सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा ने भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया, ये बिना तथ्य के दावे कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि हिंदू समुदाय पर हुए ताज़ा हमले ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है।